हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी लोग को सिखाऊंगा कैसे आपका एंड्रॉयड मोबाइल में कोई सा भी ऐप को आप हाइड कर सकते हो, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, एनीथिंग ऐप को आप अपने मोबाइल में हाइड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इसको करने के लिए आपका मोबाइल में सेटिंग ऑप्शन ओपन करना है। तो मैं मेरे मोबाइल में सेटिंग ऑप्शन ओपन करता हूँ। इसके बाद आपको जाना है ऐप्स नाम का एक ऑप्शन आ रही होगा, इस ऐप्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है ऐप्स लॉक नाम का एक ऑप्शन आ रही होगा। इसके बाद मैं मेरा पासवर्ड देता हूँ। आप सभी लोग कैसे आपका फ़ोन में ऐप्स लॉक लगाया जाता है नहीं जानते, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से मेरे वीडियो देख सकते हो कैसे ऐप्स में पासवर्ड लगाया जाता है। वो जो ही सब भी ऐप है सिस्टम है उसमें भी पासवर्ड लगेगा। तो इसके बाद आप एक ऑप्शन देख रही हो, हाइडन ऐप्स नाम का एक ऑप्शन आ रही है ना, इस पर आपको टैप करना है। नाउ यू कैन चूज, आप इस नील टिक को अनेबल करोगे तो आपका मोबाइल में ट्रूकॉलर ऐप हाइड रहेगा। मैं इस टिक को वाइट कर दूँ तो आपका फ़ोन में ट्रूकॉलर हाइड नहीं रहेगा। जैसा कि मैं मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप दिखाता हूँ, पहले ये देखिए मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप नज़र आ रही होगा। ये देखिए ये व्हाट्सएप नज़र आ रही होगा। मैं अभी मेरे व्हाट्सएप को हाइड करता हूँ। मैं पासवर्ड दे रही हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप हाइड रहे, इसीलिए मैं इस नील टिक को अनेबल करता हूँ। और मैं आप सभी को अब दिखाता हूँ। देखिए मेरे मोबाइल में ये मेरे ड्यूअल ऐप्स है, इसीलिए इस ड्यूअल ऐप्स हाइड नहीं हो रही है, लेकिन सिंगल ऐप देखिए हाइड हो गया। ये देखिए कहाँ भी नहीं नज़र आ रही है। आप चाहे तो आपका मोबाइल में वो सिंगल व्हाट्सएप को भी ओपन करने के लिए आपको दोनों फिंगर से ऐसे जूम करना है और आपका मोबाइल में पासवर्ड लगेगा और देखिए व्हाट्सएप नज़र आ रही होगा। मैं व्हाट्सएप को ओपन करूँगा तो मेरे व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। ये क्लोज पर प्रेस करो तो आपका क्लोज हो जाएगा। इसी तरह आपके मोबाइल में एनी ऐप्स में हाइड कर सकते हो। तो गाइस ये था मेरे आज का वीडियो। मेरे वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।